subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The print is here in Ahmedabad, Gujarat. As you can see, I'm standing right outside the Chief Minister's residence. The print plans to interview Chief Minister Vijay Rupani and ask him about the coronavirus situation in the state. The state has recorded the highest mortality rate in India. We want to ask him the strategies of how they plan on reducing the mortality rate in the state. देखिए, पूरे विश्व में ये महामारी चल रही है। स्वाभाविक तौर पर कोई देश कोई राज्य उसमें से बचा नहीं है, तो पहले से एडवांस में हमने प्लानिंग किया था और हम मार्च महीने में पहला केस, मार्च 19 को पहला केस आया गुजरात में, और आज मेरे ख्याल से 18 वीक से हम कोरोना के सामने जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन, क्योंकि ये नया वायरस है, नई समस्या है, बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी हुई थी, तो कोरोना का संक्रमण से ज़्यादा लोग कैसे बचे, तो उसके लिए जो जन जागृति कि सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन, मास्क पहनना, सैनिटाइज बार बार करना, अपने हाथ को साबुन से धोना, ये सब पूरा एडवर्टाइज, जन जागृति बार बार लोगों को कहना और लोगों का मन मानसिकता उनकी बनाने के लिए ये सब किया। दूसरी स्ट्रेटेजी में अगर संक्रमित हुए तो उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती हो, अच्छी ट्रीटमेंट मिले, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, इंजेक्शन, वेंटिलेटर, ये सब होना चाहिए। तो मार्च 23 को अहमदाबाद में हमने फैसला लिया कि 1200 बेड की डेडिकेटेड हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल हम बनाएंगे, और सूरत, बड़ौदा, राजकोट जो हमारे चार रीजन है, वहाँ मिनिमम 250 बेड की हॉस्पिटल होनी चाहिए। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमने 10 दिन में ये सब हॉस्पिटल्स खड़ी कर दी, और विथ ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, पूरी व्यवस्था के साथ हमने यहाँ अहमदाबाद में 1200 बेड और चार तीन जगह अलग हमने 250 बेड की हॉस्पिटल बना दी। बाद में हमने फैसला लिया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 100 बेड की हॉस्पिटल होनी चाहिए, वो भी हमने बना दी। और पहले ये जो 1200 बेड का हमने फैसला लिया, तब मैंने मीडिया में कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक भी बेड यहाँ भरे नहीं, पेशेंट ना आए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से पूरे विश्व में, जिस तरीके से विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में जो स्थिति है, हमें वश से वश सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था बनानी चाहिए, तो हमने बना दिया। तो आज मेरे पास 19,000 बेड है और 11,000 एक्टिव केस है, और क्यूमुलेटिव केस अभी तक 50,000 गुजरात के केसेस है। तो परिस्थिति को हम संभाल पाए हैं। जैसे जो मीडिया में, चैनलों में जो चलता है कि भाई पेशेंट को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर की कमी है, तो गुजरात में आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 18वां वीक चल रहा है, आज तक ये हमारे पास कहीं से भी कंप्लेंट नहीं आई। और हमने, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बताया कि गुजरात मॉडल के आधार पर सभी स्टेट ये व्यवस्था बनाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ हमने एमओयू किया, और वो जितनी बेड
कोविड के लिए अलग की, उसमें से 50% वो हमारी बेड गवर्नमेंट की और 50% प्राइवेट हॉस्पिटल की उनकी बेड, और 50% में हम यहां से जो पेशेंट भेजेंगे उसका खर्चा हम करेंगे, और प्राइवेट में जो जाएगा डायरेक्ट तो वो डायरेक्ट बिल पे करें। तो इसके कारण भी काफी बेड हमारे पास उपलब्ध हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि ये मॉडल अच्छा है और सबको इस मॉडल पर आगे बढ़ना और सभी राज्य उसमें से प्रेरणा लें। तो ये एक अच्छी व्यवस्था बन गई। आज 19,000 हॉस्पिटल की बेड, कोविड केयर सेंटर की और हमारे पास 20,000 बेड है कि जहां हम एसिम्प्टोमेटिक्स कि जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, आईसीयू की जरूरत नहीं, ऐसे पेशेंट को भी हम वहां रख सकते हैं। और होम आइसोलेशन का भी अभी आईसीएमआर ने छूट दे दी है, तो जो पेशेंट डॉक्टर को लगता है कि कोई सीरियस नहीं है उसको हम होम आइसोलेशन में भी भेजते हैं। तो सर शुरू शुरू में गुजरात में मॉर्टेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा था पर अब कम हो गया है, तो ये कैसे मुमकिन है? एक्चुअली मैं मानता हूं कि पहले से हमने कोई आंकड़े छुपाए नहीं। एक्चुअली हमारे पास जितने पेशेंट आते थे कोमोर्बिडिटी के कारण, प्राइमरी वो कैंसर का पेशेंट है लेकिन बाद में कोविड पॉजिटिव आया सेकेंडरी, फिर भी हम वो कोविड डेथ में डालते थे, आज भी डाल रहे हैं। बताना मैं ये चाहता हूं कि पहले से हमने कोई आंकड़े छुपाए नहीं, जो कोमोर्बिडिटी के कारण भी डेथ हुआ, कोविड के कारण भी डेथ हुआ। अरे कई बार तो ऐसा होता था कि पेशेंट घर से ही सीरियस इतना कि वो हॉस्पिटल में आया, उसका अभी टेस्ट भी नहीं हुआ, रिपोर्ट भी नहीं आया, वो एक्सपायर्ड हो गया, यानी कि लास्ट स्टेज में आया, फिर भी हम उसको कोविड डेथ गिनते थे। तो इसके कारण हमारा जो है वो था। दूसरा हमने किया कि जो पेशेंट लास्ट स्टेज पर यहां आते हैं तो हम लोग उसके सामने से उनके पास जाए, तो हमने काफी सर्वेलेंस बढ़ा दिया। अहमदाबाद और बाकी जगह जहां ज्यादा केस निकल रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं, एक तो मैक्सिमम टेस्ट और दूसरा कि सर्वेलेंस घर घर जाकर। आज भी चैनल में स्टोरी चल रही है, हम शिक्षकों को भेज रहे हैं, हमारी आशा वर्कर हेल्थ स्टाफ वो तो जाते हैं, शिक्षकों भी घर घर पर भेजते हैं कि भाई कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है, डायबिटीज है, ऑक्सीजन कम है, तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते ढूंढते तो जल्दी उसको ट्रीटमेंट चालू हो जाए, और अगर वो कोविड से संक्रमित हुआ तो हॉस्पिटल में उसको भर्ती भी हो जाए। तो ये भी हमने किया। एक हमने यूनिक काम किया है जिसकी भी पूरी सराहना देश भर में हो रही है, हमने धन्वंतरी रथ, आज भी गुजरात में 1040 रथ हमारा घूम रहा है, उसमें डॉक्टर है, दवाइयां भी हैं, डायबिटीज चेक करने का साधन भी है, ऑक्सीजन मापने का भी साधन है, ब्लड प्रेशर के भी देखने के लिए जो सुविधा चाहिए वो भी है, टेस्ट करने की भी आवश्यकता है तो टेस्टिंग के भी सब सपोर्ट सिस्टम भी उसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे पूरा रथ हमारे 3,000 स्पॉट हमने तय किए हैं, वो भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आरोग्य सेतु ऐप, उस पर हमको पता चलता है कि वहां आने वाले दिन में यहां ज्यादा केस निकलेंगे, तो वहां वो हम रथ भेजते हैं और एक एक लोगों को बुला बुला कर उनको वहां ही ट्रीटमेंट चालू हो जाए। अगर थोड़ा बहुत जुकाम है, थोड़ा बहुत सर्दी है, थोड़ी खांसी है तो चलो भाई ट्रीटमेंट चालू कर दो, टेस्ट में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, अभी ट्रीटमेंट चालू कर दो। तो इसके कारण भी आपने जो बताया ना कि पहले जो हमारे हम नंबर 2 पे थे, महाराष्ट्र सबसे पहले थे, गुजरात नंबर 2 था, आज कहीं अलग अलग जो हमारे क्राइटेरिया है
आज हमारा 9वां नंबर है, 9th पर हम आ गए। इसका कारण ये सब व्यवस्था हमने की। दूसरी हमने व्यवस्था की 104 अहमदाबाद में काफी संक्रमण था और अहमदाबाद में ज्यादा केसेस आ रहे थे, तो अहमदाबाद में किसी को भी लगता है कि भाई मुझे लगता है कि कोरोना है, जुकाम है, सर्दी है, तो वो डायल करे 104। तो हमारी 50 इनोवा में हमने क्लिनिक रखा है, डॉक्टर भी है, दवाइयां भी है, और 2 घंटे में जो शुरू शुरू में 1000 कॉल आते थे, अब 350-400 कॉल आते हैं हर रोज, तो तुरंत 2 घंटे में डॉक्टर के साथ गाड़ी पहुंच जाती है, उसको देख लेते हैं और उनको उचित मार्गदर्शन देने के बाद उनको आगे क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है वो व्यवस्था भी कर देते हैं। ऐसे हमने एक 104 का भी अच्छा उपयोग किया, अभी भी चल रहा है। तीसरा हमने संजीवनी रथ, उसमें डॉक्टर है, पीपीई किट के साथ है, जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको हर रोज एक बार चेक करना, अगर वो केस बिगड़े नहीं और फिर उसको हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट को दाखिल करना पड़े, ऐसी स्थिति न बने, तो हर रोज डॉक्टर जाकर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। एक हमने कॉल सेंटर बनाया, शुरू शुरू में तो बहुत केस आते थे, तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में कॉल सेंटर, करीब 150 से ज्यादा लोगों को कॉल पर बिठाया था और पूरा जितने लोग पेशेंट हॉस्पिटल में है उनके रिलेटिव के साथ हर रोज दिन में 2 बार बातें करना कि क्या स्थिति है आज, तो उनको भी रिलैक्स और सांत्वना मिले कि भाई हॉस्पिटल में फोन आ गया है, तबीयत अच्छी है, अगर बिगड़ी है तो वो भी बता दे कि भाई ऑक्सीजन उनका कम हो गया है तो अब हमने उसको वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाल दिया है और ट्रीटमेंट चल रही है। तो ये सब बातें कॉल सेंटर से भी हमने अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज किया। और मेरा सीएम डैशबोर्ड है, वैसे तो 2.5 साल से चल रहा है, पूरी सरकार की सभी डिपार्टमेंट, सभी योजनाएं, सब पूरा डेटा उसमें डाला हुआ है और लाइव कनेक्ट रियल टाइम हमने किया है। तो हमारी अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल और आज सूरत की गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ CCTV कैमरा लगाया हुआ है, हम यहाँ से देख सकते हैं अंदर क्या चल रहा है, ICU में क्या चल रहा है, जनरल वार्ड में क्या चल रहा है, OPD में क्या चल रहा है, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, ये पूरा हम यहाँ से भी देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं 2-way यहाँ से वहाँ से, तो ये भी एक अच्छा काम हुआ। सर आपने कोमोबिलिटीज की बात की और जब हमने डॉक्टर्स से बात की तो पता चला कि डायबिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गुजरात में, तो क्या आपको लगता है कोरोना के बाद गुजराती लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आना चाहिए? देखिए अभी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ गई है, अब लोग योगासन से लेकर जॉगिंग से लेकर जिम का कल्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन बात सही है कि हमारे व्यापारी स्टेट है तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन का पेशेंट ज़्यादा है हमारे, और ये कोमोर्बिडिटी में कोरोना में भी काफ़ी लोग संक्रमित हो गए उससे। तो सर माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में पूछना था, उनको वापस लाने का कोई बंदोबस्त किया गया है जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है गुजरात? देखिए आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो लेबर थे, टोटल जितनी ट्रेन चली उसमें से सबसे ज्यादा गुजरात से चली। इसका 2 मतलब है, एक कि गुजरात अन्य प्रांत के लोगों को भी रोजी रोटी देता है, यानी कि रोजगार की पूरी संभावना गुजरात में है, रोजगार देने की भी ताकत गुजरात में है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा ट्रेन हमें चलानी पड़ी और करीब 5000 से ज़्यादा बसें चली और सभी को सम्मान के साथ पूरी व्यवस्था के साथ उनके गांव हमने पहुँचाए। करीब 15 लाख से ज़्यादा तो लोग ट्रेनों से गए यहाँ से, लेकिन हमारे गुजरात के सभी इंडस्ट्रीज चालू हो गई है,
क्योंकि जो बिजली की औद्योगिक बिजली की वपराश यूटिलिटी वो पहले जितनी थी उतनी भी आज हो गई है, इसका मतलब इंडस्ट्री चालू हो गई है सभी। और हर रोज बिहार यूपी बाकी जगह से जो जो ट्रेन आ रही है सूरत अहमदाबाद वो सब वापस भी आ रहे हैं, काफ़ी भी वापस आ गए, काफ़ी आ गए। योजना बनाने की सोचने की बात नहीं है, काफ़ी लोग वापस आ गए हैं और काम में लग गए। तो सर आखिरी सवाल है, जब डॉक्टर से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि गुजरात में वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, तो आपकी इसमें क्या राय है? वो तो एक्सपर्टों का ओपिनियन वधारे रिलायबल रहेगा, लेकिन हमारे डॉक्टर बता रहे हैं, एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि जो स्ट्रेन वायरल में होती है, बता रहे एक्स और वाई स्ट्रेन होती है, एस और एल कुछ स्ट्रेन बता रहे थे, उसमें जो घातक है वो गुजरात में है और ज़्यादा वायरल लोड भी है, लेकिन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। The Prince spoke to Gujarat Chief Minister Vijay Rupani and found that he thinks that the coronavirus situation in the state is under control. He has also said that he hasn't heard any complaints regarding the lack of doctors, lack of medicines, lack of ventilators, etc. He also believes that the viral strain in Gujarat is different from other states. However, the ICMR has shown and has conducted studies that have indicated that no such different viral strain has been seen in India as such. Gujarat Chief Minister also expressed confidence that the migrant workers are back in the state. They have already started working in factories. This is Kairvi Grewal with Praveen Jain reporting for The Print in Ahmedabad.